सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि जिसे आप पसंद करते हैं या दिल से चाहते हैं, क्या आगे चलकर उनकी तरफ से आपको धोखा तो नहीं मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर शादी से पहले भी और शादी के बाद भी आपको बताएंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप अपने दोस्त मित्रों के साथ भी जानना चाहते हैं कि आपको किसी फ्रेंड सर्कल में कहीं धोखा मिलेगा या फिर आपके साथ चीटिंग तो नहीं होगी, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़के हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत और इसी के साथ आपकी हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पहले बात करेंगे गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब देखिए, ये जो स्पॉट है, अब यहां पर आपको इस हाथ में बहुत सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं देखने को मिल रही होंगी, जो कि इस पर्वत में अड़चन बना रही हैं या फिर किसी तरह की जो है बाधा यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। तो देखने को मिलता है दोस्तों कि जिसके गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी रेखाएं ज़्यादा बनी होती हैं, तो ये लव मैरिज के रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, पर जब बारी आती है लव मैरिज की, तो वहाँ पर ये अपना पैर पीछे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूज रहते हैं कि इनकी शादी लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी। और यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन बढ़ती ही जाती है, जिस चक्कर में इनका जो रिलेशनशिप है वो भी बिगड़ जाता है या फिर इनकी लव मैरिज के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखने को ये भी मिलता है कि इनके रिलेशनशिप में शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बाधाएं आ सकती हैं। मतलब कि शादी से पहले जो है किसी तरह के डाउट्स रहना या फिर रिलेशनशिप में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रहना, और शादी के बाद भी ग्रह क्लेश रह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब इसके बाद अगर बात करें दोस्तों हार्ट लाइन की, अभी साथ में जो हार्ट लाइन है वो दोस्तों कंप्लीट बनी हुई नहीं है। मतलब कि जो हार्ट लाइन होती है, अगर वो इस प्रकार से गुरु पर्वत तक चली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर लव मैरिज के हाई चांसेस बनते हैं। मतलब कि जिसे आप पसंद करते हैं तो उनके साथ लव मैरिज के योग बन सकते हैं। बट जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, हार्ट लाइन जो है इस प्रकार से छोटी है, मतलब कि ये गुरु पर्वत तक नहीं गई है। और जिसके हाथ में हार्ट लाइन जितनी ज़्यादा छोटी होगी, तो उनकी लाइफ में दोस्तों धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर ये कहिए कि कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, बल्कि अगर आपको कोई दोस्त मित्र है या फिर आप जिसके साथ कोई कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। हो सकता है कि एंड मौके पे या फिर बिल्कुल ही जब आपका कार्य होने वाला है तब आपको कोई धोखा दे दे। और अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। और जब बारी आती है कोई दोस्त चुनने की या फिर आपको आगे बढ़ाना है दोस्ती का हाथ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहचान नहीं होती है कि सामने वाला आपके साथ कैसा रहेगा फ्यूचर में, तो आगे चलकर जो है आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि संभल के आगे कदम बढ़ाइएगा, और दोस्ती का हाथ जो है वो बिल्कुल ही देखभाल के 100 बार सोचने के बाद ही आगे बढ़ाइएगा। दोस्त कम हो तो अच्छा है, पर अच्छे होने चाहिए, ये जरूरी है। एक और बात बताते हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी हार्ट लाइन जो होती है, मान के चलिए कि वो इस प्रकार से बीच में से टूटी हुई है या फिर किसी प्रकार का आपको एक ब्रेक सा नज़र आ जाता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम रह सकती है। मतलब कि आपको कैसे एनालाइज करना है,
अब आपको इस साइड से एनालाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, मतलब कि मान के चलिए कि जो आपकी हर्ट लाइन है, मान के चलिए इस पॉइंट पे टूट रही है और आगे की ओर बढ़ रही है, और इस तरफ से हम इसको एनालाइज करेंगे। अब हम इसे चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे दोस्तों, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर यह होता है दोस्तों 10 से 20 साल की उम्र, इसके बाद आती है 30 साल की उम्र, और फिर आती है 40, और फिर आती है 50। अब जिस पॉइंट पे ये रेखा टूट रही है तो दोस्तों वहां पर आपके जीवन में हेल्थ इश्यू होने के हमें चांसेस नजर आते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे टूट रही है तो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हेल्थ इश्यू हो सकता है। अब मान के चलिए कि इस पॉइंट पे टूटती तो 30 से 40 साल के बाद। अब बिल्कुल ही ऊपर जाके टूटती है रेखा तो दोस्तों लगभग हमें देखने को मिलता है कि योग जो है 50 साल की उम्र के बाद बनता है किसी भी हेल्थ इश्यू का। तो आप इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है हार्ट लाइन किसी किसी के हाथ में, हो सकता है कि आपके हाथ में भी दो मुखी बन रही हो, मतलब कि जिसके दो मुख होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जिसमें से हम बात करेंगे दो पॉसिबिलिटीज की। अब यहाँ पर मान के चलिए कि हार्ट लाइन दो मुखी है, जिसका एक मुख तो गुरु पर्वत पे जा रहा है और उसका दूसरा मुख जो है ऊपर की ओर है, मतलब कि आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो गैप होता है वहां पर जा रहा है। तो दोस्तों आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसे आप पसंद करते हैं तो उनके साथ लव मैरिज होने के योग ज़्यादा रहते हैं और आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पर इस कंडीशन में आपको मौका मिल सकता है। अब ये तो है दोस्तों एक पॉजिटिव साइन। अब मान के चलिए कि ये रेखा नीचे की ओर डिवाइड हो रही है कुछ इस प्रकार। अब देखिए ये जो डिवाइड अगर हो रही है रेखा और माइंड लाइन से पहले रुक जाती है तो अच्छा है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों आपके कोई भी कार्य जिसमें आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको उसमें जल्दी सफलता मिल जाती है, कम उम्र में आप बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो है लव मैरिज के भी योग रहते हैं और अरेंज मैरिज के भी योग रहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना है, पर मान के चलिए कि अगर यही रेखा माइंड लाइन को क्रॉस करती हुई नीचे की ओर चली जाए, मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि मांगलिक दोष के रिलेटेड आपके जीवन में संकेत नजर आए और यहाँ पर आपको इसका निवारण करवाना जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है दोस्तों शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बाधाएं आ सकती हैं, मतलब कि प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आपके वैवाहिक जीवन में। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपको किसी प्रकार का धोखा तो नहीं मिलेगा या फिर आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं करेगा। इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की एडवाइस भी दी है, जहां पर आप अपनी हस्तरेखाओं से आसानी से जान सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।